हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे सिंघाड़े के आटे की बहुत ज़्यादा टेस्टी सी बर्फ़ी। और इस बर्फ़ी को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसे बनाने के लिए ना तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम में आप इतनी टेस्टी सी बर्फ़ी बना के तैयार कर सकते हैं। कम घी के साथ 1 चम्मच घी में आप इस बर्फ़ी को बना सकते हैं। और बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल परफेक्ट तरीका मैंने इस वीडियो में शेयर किया है, बिल्कुल इजी, जिसे आप इसे मिनटों में ही तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सिंघाड़े के आटे की बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर 1 चम्मच भर के मैं इसमें घी डाल दूँगी। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, यानी घी हल्का सा गर्म हो जाएगा, तो इसमें डाल देंगे 1 कटोरी सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़े का आटा आप घर पे भी बना के तैयार कर सकते हैं, या फिर आप मार्केट से भी आटा को लाकर किस तरीके से इसका बर्फ़ी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है इसको बनाना। देखिए, हम बस 1 चम्मच घी में ये बर्फ़ी जो होती है बहुत जल्द अच्छे से बन जाती है। और बस इस तरीके से आटा को लगातार भूनेंगे जब तक आटे का जो कलर है वो वाइट से बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए। तो आपको गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो टू मीडियम रखना है और बस लगातार चलाते जाना है और आटे को बढ़िया सा भूनना है। आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं, आटे का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अभी हम इसे और भूनेंगे। ये देखिए, इसका कलर और भी ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो देखिए, कुछ ऐसे ही आपका यहाँ पर आटे का जो कलर है ऐसा होना चाहिए। तो आटा बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से भून चुके रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे आटे को निकाल लेंगे और इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं कि सिंघाड़े के आटे की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें आगे क्या प्रोसेस करना होता है। तो सारे आटे को हम इसमें निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम बनाएंगे यहाँ पर बर्फ़ी के लिए चाशनी। इसके लिए यहाँ पर 1 कटोरी मैं यहाँ पर शुगर लूँगी और इसी कटोरी से नाप करके हम यहाँ पर 1 कटोरी पानी डाल देंगे और बस अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं जो मैंने बर्फ़ी का मेजरमेंट बताया, अगर 1 कटोरी आप आटा ले रहे हैं तो 1 कटोरी चीनी लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट मिठास रहेगी। और इधर चीनी घुल रहा है, दूसरी तरफ ये देखिए यहाँ पर आटा जो है इसे मैंने 5 मिनट अच्छे से ठंडा कर लिया था। आटा अच्छे से ठंडा हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर पानी। तो पानी आपको नॉर्मल इस्तेमाल करना है। तो जो मैं आपको बर्फ़ी बनाने का तरीका बता रहा, इससे आपकी बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और बर्फ़ी में जो लम्स पड़ जाते हैं आटे में, सिंघाड़े के आटे बनाने का, जो आप हलवा बनाइए बर्फ़ी बनाइए तो इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो ये देखिए, अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने इसे मिक्स कर लिया, जो भी लम्स होगा वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें। और थोड़ा थोड़ा सा अब इसमें और भी पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे, यानी कि आपको सिंघाड़े के आटे का एक परफेक्ट एक बैटर बना के तैयार करना है। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से, तो बैटर ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरीके से पतला सा बैटर बना के तैयार करना है। बैटर बिल्कुल रेडी है और इधर यहाँ पर चीनी भी अच्छे से घुल चुकी है, ये देखिए। तो यहाँ आपको कोई तार वगैरह चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी, बस चीनी अच्छे से पानी में घुल जाए। तो चीनी हमारी घुल चुकी है, चाशनी रेडी हो चुकी है। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ये इस आटे का जो घोल है इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड करेंगे, ये देखिए। और बस ऐसे हम इसे लगातार चलाते जाएंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर लो टू मीडियम रखेंगे और बस जब तक जब ये हल्का सा ठीक होने लगे, तो इस तरीके से हम पहले स्टार्टिंग में गैस का फ्लेम स्टार्टिंग में मीडियम रखेंगे और जब ये हल्का सा ठीक होने लगेगा तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम के बीच कर देंगे। तो अभी ये ठीक नहीं हुआ है, तो बस अभी हम इसे लगातार चलाते जाएंगे और ये देखिए ठीक हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो टू मीडियम कर देते हैं ताकि ये जले ना। और बस ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये ठीक हो चुका है, पर अभी ये परफेक्ट पका नहीं है। तो जब तक ये पका नहीं होता है, तो अगर आप इसे सेट कर देंगे थाली में तो ये अच्छे से जम नहीं पाएगा। तो अभी हम इसे और अच्छे से पकाएंगे जब तक इसमें हल्के हल्के से बबल्स ना आने लगें। तो देख सकते हैं इसका जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो चुका है। तो अभी हम इसे कुछ मिनट और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, इसे बढ़िया सा पका लेंगे, ये देखिए कुछ, ये देखिए। तो इसे 5 से 6 मिनट पकाने के बाद, और मैं आपको इसे दिखाती हूँ, देखिए एकदम परफेक्ट हो चुका है, यानी कि एक बिल्कुल जेली फॉर्म में आ जाता है। तो चलिए इसे अब सेट करते हैं। इधर थाली में हमने घी लगा के रख दिया था पहले से और सारा मिक्सचर हम यहाँ पर बर्फ़ी का इस थाली में डाल देते हैं। और सब मिक्सचर को डालने के बाद हम इसे किसी भी कलछी स्पैचुला से अच्छे से थाली में से स्प्रेड करेंगे, ये देखिए।
अगर आप गर्मा गर्म हलवा खाना चाहते हैं तो आप इसे थाली में बिल्कुल ना सेट कीजिए, आप इसे गर्मा गर्म हलवे की जैसा आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। अगर बर्फ़ी जैसा खाना चाहते हो तो आप इसे थाली में सेट करके आप बर्फ़ी का भी मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसे सेट होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद मैं इसे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से सेट हो चुकी है, यानी कि इसे सेट होने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ना तो इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसे रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ दीजिए तो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। अब सेट होने के बाद अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। ये देखिए आप अपने मनपसंद के पीसेस में इसे कट कर सकते हैं, तो मैं कुछ इस तरीके से इसे कट कर रही हूँ देखिए, और ये एकदम परफेक्ट अच्छे से सेट हुआ है। देखिए मैं इसे नाइफ से कट कर रही हूँ तो नाइफ में ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, यानी कि एकदम परफेक्ट यहाँ पे हमारे सिंघाड़े के आटे की जो बर्फ़ी है बहुत अच्छे से बन के तैयार हुई है। तो चलिए मैं आपको एक पीसेस निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारे इसके पीसेस आए हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट इसका लुक लग रहा है। ये देखिए आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा परफेक्ट लग रही है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर सिंघाड़े के आटे की बर्फ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे तरीके से आपको बहुत पसंद आएगा। यदि आप व्रत में ज़्यादा घी नहीं खाते हैं, कम घी में आप इसे बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इसे बना के इंजॉय कीजिए फ्रेंड। तो नवरात्रि है तो आप इसे व्रत में ज़रूर बना के खाइए, या फिर आप इसे ऐसे भी बना के खा सकते हैं। जब कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इस तरीके से ये सिंघाड़े के आटे की बर्फ़ी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर फ्रेंड आपको ये बर्फ़ी बनाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सिंघाड़े के आटे की बर्फ़ी बनाने का ये तरीका कैसा लगा। तो चलिए मैं आपको एक बर्फ़ी को तोड़ के भी दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा परफेक्ट आया है, एकदम परफेक्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी, देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो फ्रेंड अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। फिर मिलते एक और नई रेसिपी के साथ।